इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां कश्मीर में अमन की हवा में जहर घोलने के लिए आतंकवादी एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकवादियों ने एक पुलिसकर्मी के परिवार को निशाना बनाया। आतंकवादियों ने एसपीओ फयाज अहमद, उनकी पत्नी और उनकी बेटी को गोली मार दी। तीनों की मौत हो गई। यह आतंकी वारदात दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के हरिपरी ग्राम त्राल इलाके में हुई, जहां आतंकवादियों ने 41 साल के एसपीओ फयाज अहमद के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू की। गोली लगने के बाद एसपीओ को आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया। बचाने की कोशिश की गई, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। गोलियां फयाज अहमद की पत्नी और उनकी बेटी को भी लगी। उन्हें भी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन किसी को बचाया नहीं जा सका। इस वारदात के बाद इलाके में घेराबंदी कर दी गई है। आतंकवादियों की लगातार तलाश जारी है। कुछ दिन पहले भी आतंकवादियों ने कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर की हत्या की थी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।